हेलो गाइस, अपने अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ लाइफ में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो फाइनली इसमें आप लोग को टोटल पोस्ट नेम देने को मिलेगा, टोटल आप लोग को 425 पोस्ट देने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग को फॉर्म भरना होगा दोस्तों। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना हो, कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस, इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलो गाइस, वीडियो बुलाते हैं बस करके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस देख सकते हो, फाइनली मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो PGCIL का मतलब है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। इसका जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसमें टोटल वैकेंसी आप लोग को 425 पोस्ट देने को मिलेगा। जॉब लोकेशन गाइस ऑल ओवर इंडिया, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो गाइस इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नेम आप लोग को देने को मिलेगा डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आप लोग को देने को मिलेगा। इसका माध्यम ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग को अप्लाई करना हो दोस्तों, ऑफलाइन माध्यम अप्लाई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसका ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट होने वाला है, क्लोजिंग डेट 23rd September 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट बात करेगा तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर, तो गाइस ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट की बात करेगा तो 1st September देख सकते हो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1st September 2023 से, मतलब आज का मतलब आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, उसका लास्ट डेट 23rd September 2023 तक है और लास्ट डेट पेमेंट भी इसमें दिया गया है। तो इसके ऑनलाइन अप्लाई किससे करना है गाइस, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रीमियर फॉर्म तक अगर वीडियो देखना चाहते हो तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो देखना चाहते हो तो गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग को जरूर वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अगर ये गलती ना करें तो। चलो गाइस यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UREWS OBC के आप लोग को ₹300 आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होगा दोस्तों। अगर SC and ST की बात करें तो गाइस यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं, नील है। ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो सिर्फ आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट जो लोग एलिजिबल है पेमेंट करना होगा दोस्तों। गाइस पोस्ट नेम यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में आप लोग को 344 पोस्ट देने को मिलेगा और डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 68 पोस्ट देने को मिलेगा और डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में 13 पोस्ट देने को मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करके तो गाइस रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा, आप लोग को 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से, इलेक्ट्रिकल हो आप लोग को जो भी, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर ऑप्शन देने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर देने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम इंजीनियरिंग आप लोग को देने को मिलेगा और यहाँ पर भी आप लोग को देने में इलेक्ट्रॉनिक में भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो लोग हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग से पोस्ट देने को मिलेगा स्ट्रीम वाइज। आप अगर आपके पास यहाँ पर आपका स्ट्रीम है तो आपका मेन सब्जेक्ट स्ट्रीम है तो यहाँ पर देने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो गाइस मिनिमम तो 18 ईयर से लेकर 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट के रूल हिसाब से आप लोग को एज रिलेक्शन भी मिलेगा, आप लोग को पता है दोस्तों SC and ST कैटेगरी के लिए आप लोग को पता है दोस्तों 5 ईयर्स आप लोग को एज रिलेक्शन मिलेगा। अगर OBC के लिए तो गाइस आप लोग को पता है दोस्तों 3 साल आप लोग को एज रिलेक्शन मिलेगा, वो तो आप लोग को पता है दोस्तों। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर भी दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड टाइम आप लोग को यहाँ पर सैलरी देने को मिलेगा और लेवल वाइज आप लोग को देने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस यहाँ पर पहले आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइस, उसका बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और नेक्स्ट बात करेंगे तो गाइस यहाँ पर एग्जाम पेपर की बात करें तो और इम्पोर्टेंट चीज है, एग्जाम पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स आप लोग को रिटन एग्जाम होना करना होगा दोस्तों। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन से 1 मार्क मिलेगा, इसमें 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा, मतलब 2 घंटा आप लोग को टाइम मिलेगा इसमें, लेकिन दिया इसे नेगेटिव मार्क है, इसमें 1.4 नेगेटिव मार्किंग है, अगर एक गलती करोगे तो 1.4 मार्क आप लोग को नेगेटिव मार्किंग आप लोग को दिया जाएगा, देने को मिलेगा। सिलेबस की बात करोगे तो देख सकते हो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट देने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आएगा 120 क्वेश्चन आएगा, 120 मार्क मिलेगा और 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क मिलेगा, टोटल आप लोग को 170 क्वेश्चन आएगा, 170 मार्क आप लोग को फुल मार्क होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर सॉफ्ट नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है और फुल नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है,
तो गाइस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली से ऑनलाइन अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। जैसे ऑनलाइन अप्लाई लिंक बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देने को मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को आपका ईमेल आईडी दोबारा से ईमेल आईडी कन्फर्म कर देना, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालना चाहते हो डाल सकते हो, मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देना, उसका बाद ये कैप्चा फिलअप कर देना, इस पर आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना। तो गाइस इसके ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, कभी मिलते रहेगा पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।